अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा आप? अल्लाह का शुक्र सर। आप और आने हैं बच्चे के, स्टार्ट करें हम? अभी सर वेट कर लें तो 5 मिनट 2-3 मिनट देख लेते हैं, अभी आएंगे वो। ठीक है। अच्छा, आपका कोई इश्यू था पिछले सब्जेक्ट के हवाले से? सर इश्यू यही था, वो रिजल्ट का ही था। वो असल में आई हुई है स्कॉलरशिप वगैरह, तो इसलिए अप्लाई करना था। उसके लिए वो रिजल्ट मांग रहे थे वो मैक्सिमम, बाकी डिपार्टमेंट को सबका आ गया तकरीबन, हमारे डिपार्टमेंट का डिले रहता है। सर नहीं बेटा, लैब का मुझे कल रिसीव हुआ है रिज़ल्ट, तो मैं कोशिश करूंगा आज रात को अपलोड कर दूँ रिज़ल्ट। ठीक है ठीक ये लैब के रिज़ल्ट का था, मुझे वो मिल नहीं रहा था, वो उस नैन साहब ने करवाई हुई है, तो वो आ गया, उन्होंने भेज दिया मुझे। ठीक है सर। चलें स्टार्ट करते हैं हम, टाइम हो गया। ठीक है सर, कर लें। अच्छा, आपको ना थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है, नॉर्मली इसमें ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि एक तो प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है और दूसरा इस तरह की चीज़ उन्होंने पहले पढ़ी नहीं होती। तो आपने अगर कोई इश्यू आता है तो आपने ना मतलब कि क्वेश्चनिंग करते रहना है साथ साथ ना, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरे साथ हो या नहीं हो। जो पिछली दफ़ा तो फर्स्ट टाइम था तो हमें थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, इस दफ़ा वो इश्यूज नहीं आने चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा बेटा, पीएलसी को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जो चीज़ समझनी है वो है कि उससे पहले हमें रिले का पता होना चाहिए, रिले क्या होती है। अच्छा, एक इशू आ रहा है इसमें, ये बच्चे खुद ही से एडमिट क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है रिले। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको रिले के बारे में आइडिया होगा कि रिले क्या होती है। पता है आपको सर, क्या होती है रिले? ये सिंपली सर, ये इसमें ये होता है कि नॉर्मली ऑन कांटेक्ट और क्लोज कांटेक्ट होते हैं इसमें। और सर इसमें स्विचिंग का काम क्या करती है? जी स्विचिंग भी करती है। ठीक है, स्विचिंग का काम करती है और ये सारी जब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सके ये भी अमल करती है। अच्छा शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, अच्छा चलें, रिले में अगर डिफरेंट हम ठीक है, रिले में अगर हम देखें तो हमें दो कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं सारी रिलेज में, नॉर्मली ओपन, इसको हम NO भी बोलते हैं, और एक हमें कांटेक्ट मिलता है नॉर्मली क्लोज्ड, इसको हम NC भी बोलते हैं। तो जब भी आप कोई रिले देखोगे उसमें ये दो जो पॉइंट्स हैं या कांटेक्ट्स हैं ये आपको लाजमी मिलेंगे, एक आपका नॉर्मली ओपन का और एक आपका नॉर्मली क्लोज का। देखा है कभी किसी भी रिले में, या अगर आपने कभी भी कोई
मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर देखा हो, उसमें भी ये दो चीजें लिखी होती हैं, एनोड एन सी, देखा है कभी? जी सर देखिए नेक्स्ट मैंने। यस सर जी। टाइम जब भी आप कोई मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर देखें तो उसके साथ एक ऑक्सिलरी रिले लगी होगी, उस पर आप देखोगे कि ये पॉइंट ये लिखा होगा और एन सी लिखा होगा। या अब अगर आप रिले देखते हो तो रिले में भी आप देखोगे कि अगर आपके इस तरह के तीन पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान एन ओ लिखा होगा और बाकी दो पॉइंट्स के दरमियान एन सी लिखा होगा। एन और एन सी के दरमियान ये वाला पॉइंट जो होता है ये कॉमन होता है, ठीक है। इंटरनली ये होता है कि आपका ये पॉइंट इस तरह शॉर्ट होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट शॉर्ट होता है और रिले ऑपरेट होने के बाद ये वाला पॉइंट इस तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं अपना से मेरे पास एक लाइट है और इसको मैंने एन सी से कनेक्ट किया हुआ है, इधर से मैंने इसको न्यूट्रल दी हुई है और इधर एन सी पे मैंने फेज दिया हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मेरी लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगी, ऑन हो जाएगी, बिकॉज इसको यहाँ से फेज मिल रहा है और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है। तो जो एन सी होता है, एन सी में नॉर्मल कंडीशन में विदाउट स्विचिंग ऑन द बटन आपका करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट यहां से रिमूव हो जाएगा और ये यहां से रिमूव होके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट मेरा यहां से डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरी लाइट ऑन हो जाएगी। तो जो मेरा नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज मुझे सेंस दे रहा होता है एक सर्किट ब्रेकर की, जिसमें नॉर्मल कंडीशन में मेरा करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको ऑपरेट करता हूँ, नीचे को करता हूँ, ऑन ऑन वाली साइड पे लेके आता हूँ, तो उसमें से करंट फ्लो मेरा ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली क्लोज को आपने जब भी देखना है तो उसमें आपका नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा होगा, उसके आगे जो भी लोड होगा वो चल रहा होगा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? ठीक यस है सर। सर। तो नॉर्मली ओपन सॉरी नॉर्मली क्लोज मेरा एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में जब मैंने स्विच को ऑन नहीं किया तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। इसीलिए आप देखते हो कि स्विच और सर्किट ब्रेकर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्विच ऊपर को बंद हो रहा होता है और जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ऊपर को ऑन हो रहा होता है। या दूसरी सेंस में, पीएलसी की सेंस में गए तो स्विच को जब ऊपर को करते हैं तो आपका करंट फ्लो ऑफ हो जाता है, और जब हम सर्किट ब्रेकर को ऊपर को करते हैं तो उसमें से मेरा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ओपन ऐसा एक मेरे पास पॉइंट होता है। अच्छा, इसका सिंबल ये वाला होता है, नॉर्मली क्लोज का सिंबल ये वाला होता है। तो अब ये देख सकते हो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, और दोनों आपस में शॉर्ट किए हुए हैं, ये दरमियान वाली लाइन है, ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज में स्टार्ट में करंट मेरा फ्लो हो रहा होता है आई। अच्छा, अब नॉर्मली ओपन क्या होता है? नॉर्मली ओपन ये होता है कि स्टार्ट में अगर यही लोड मैं यहाँ पे ना कनेक्ट करूँ, ये वाला जो मेरे पास लोड है इसको मैं यहाँ पे नहीं कनेक्ट करता और फेज इसको नहीं देता, इसको मैं सॉरी फेज तो इधर ही जाएगा, फेज इधर दे देता हूँ और इसको मैं नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी ये पेंट पे इसी तरह की ड्राइंग बन गई है। अब क्या होगा कि
स्टार्ट में मेरा लोड जो है वो ऑफ होगा, लोड मेरा ऑन नहीं होगा। स्टार्ट में मेरा लोड ऑफ होगा क्योंकि फेज के साथ ये वाला पॉइंट कनेक्ट नहीं है और जो मेरा लोड है उसको फेज नहीं मिल रहा। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ से डिस्कनेक्ट होके ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा नॉर्मली ओपन के साथ। अब मेरा यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और मेरा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट है उसमें क्या होता है, उसमें मेरे पास स्टार्ट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता और जब मैं स्विच को ओपन करता हूँ तो उसमें से मेरा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन दो पॉइंट के क्लियर है? जी सर, जी सर, यस सर, इसका नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे करंट मेरे पास फ्लो नहीं हो रहा, करंट का रास्ता ब्लॉक है। ठीक हो गया। अच्छा, जी सर, तो रिले में आपके तीन पॉइंट्स होते हैं। आप क्या करते हो, जिस लोड को आपने ऑपरेट के बाद बंद करना होता है, ठीक है, और स्टार्ट में ऑन होना चाहिए और स्विच ऑन करने के बाद बंद होना चाहिए, उसमें आप नॉर्मली क्लोज वाले पॉइंट यूज करते हो कि फेज आप नॉर्मली क्लोज पे लगाते हो और लोड को नॉर्मली क्लोज से आप डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट कर देते हो। तो उसको डायरेक्ट यहाँ से नॉर्मली क्लोज से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट में ऑन होता है। जैसे ही आप रिले को ऑपरेट करवाते हो तो आपका ये पॉइंट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जब मैं स्विच को ऑन करूं तब मेरा लोड ऑपरेट हो या ऑन हो, तो फिर आप फेज जो लोड का कनेक्शन है वो नॉर्मली ओपन से कर देते हो। स्टार्ट में आपका लोड ऑफ होगा, जैसे ही आप अपनी रिले को ऑपरेट करवाओगे आपका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये दो पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट्स होता है, क्योंकि ये जो आपकी पीएलसी है ये एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टूल है, ये इसमें सारी चीज़ें हम वो यूज़ कर रहे होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती हैं। तो इंडस्ट्री में जो मेजर लोड होता है वो आपका इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, कौन सा लोड होता है? इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव सर, ठीक है, तो जो आपकी आउटपुट होती है पीएलसी में उसको आप कॉइल भी बोलते हो। ठीक है, तो आपकी आउटपुट होती है उसको आप कॉइल भी बोलते हो या इन आप उसको मोटर भी बोल सकते हो, क्योंकि जहां पे भी किसी चीज को आपने मूव करवाना है तो मूव करवाने का मतलब ये है कि आप मोटर यूज कर रहे हो, क्योंकि मोटर के बगैर आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जहां पे भी किसी चीज की मूवमेंट हो रही है दैट मींस कि आपकी मोटर यूज हो रही है वहां पे, राइट? तो आपका जो पीएलसी का तीसरा पॉइंट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप बोलते हो को आउटपुट कॉइल और मोटर। मोस्टली हम जो यूज करेंगे टूल उसमें कॉइल उसको बोलते हैं या आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, कॉइल सी एक बन जाते हैं, या इसका सिंबल कई जगह पे ऐसे भी होता है, दैट मींस के यहाँ पे आपकी टर्मिनेशन हो गई कनेक्शन की और ये आपका एक कॉइल है। ठीक हो गया, क्योंकि मोटर को आपको पता है मोटर को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर कॉइल बना के। तो आपके अभी जो मेजर तीन सिंबल्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक हो गया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और तीसरा आपका आउटपुट जो कि आपकी कॉइल होगी। इसमें अभी तक कोई इश्यू है आप लोगों को? नो सर, नो सर, क्लियर, नो सर, क्लियर है सबको? यस सर, यस यस सर, सर, यस यस सर, सर। ओके हो गया। चलिए, अच्छा अब हम एक थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं चाहता हूँ
मैंने एक लाइट लगानी है, ठीक है। अब वो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो स्विचेज हों, तो फिर वो दोनों को मैं जब ऑन करूँ तो फिर मेरी लाइट जो है वो ऑन हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो मेरे पास स्विचेज हैं और मैं चाहता हूँ कि दो स्विचेज को जब मैं दोनों को ऑन करूँ तो फिर मेरी लाइट ऑन हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों दोनों स्विच को सर सीरीज में लगा रहे हैं। राइट, कोई और? सर एंड ऑपरेशन के जरिए भी कर सकते हैं। राइट, और कुछ? राइट, अच्छा चलें इसको हम ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक फेज है यहाँ पे और फेज यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक स्विच है, ठीक है। आपको पता है स्विच को हमेशा फेज देते हैं, न्यूट्रल देते हैं कभी स्विच को? नहीं सर, सिर्फ हम जो मेरा स्विच होता है उसको हम फेज देते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास लोड है और यहां से मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया, लोड को न्यूट्रल। हम अपने लोड को डायरेक्टली देते हैं, स्विच को हमेशा फेज देते हैं। अब क्या होगा जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा और ये इधर से कनेक्ट हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इधर कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो जब मैं दोनों स्विचेस को ऑन करूंगा तो मेरा करंट फ्लो हो जाएगा और मेरा जो लोड है वो रेट हो जाएगा, ऐसे ही है? जी सर। आप अगर स्विच को खोल के देखो तो उसके दरमियान में एक मेटल की प्लेट होती है, जब आप उसको नीचे करते हो तो मेटल की प्लेट सीधी हो जाती है, दोनों से कनेक्ट हो जाती है, उसमें से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही काम हो रहा है, अच्छा, क्योंकि वो मैकेनिकल स्विच होता है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं पीएलसी पे लेके जाना चाहूँ तो पीएलसी पे जो स्विच है तो एनओ है आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, वो आपको एनालॉजी दे रहा होता है किसकी? स्विच की। इसकी एनालॉजी दे रहा होता है स्विच की। तो अगर इसी चीज को मैं पीएलसी पे इंप्लीमेंट करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे स्विच है S1 से S1 है और ये S2 है, दो स्विचेज हैं। तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा एक नॉर्मली ओपन और उसके साथ अनदर नॉर्मली ओपन और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉइल या लोड या आउटपुट, ठीक हो गया। तो पीएलसी में जो हमारा ये वाला सिस्टम था जिसमें मैं दो स्विचेस को ऑन कर रहा था और आपने एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं एंड ऑपरेशन कर रहा था, जाहिर सी बात है जब दोनों को ऑन ऑपरेट होने से मेरे पास आउटपुट हाई होगी तो दैट मीन्स मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो पीएलसी में सेम एंड ऑपरेशन में ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा, दूसरा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा और आगे डेफिनेटली मेरे पास लोड होगा जो कि मुझे आउटपुट की इंडिकेशन देगा कि मेरी यहाँ पे जो सिस्टम है वो इस टाइम ऑपरेट कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब मुझे ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे इसको तो मैंने नाम दे दिया था क्योंकि ये मैकेनिकल स्विच थे, तो मैकेनिकल स्विचेस को तो मैं अपने हाथ से ऑन ऑफ करवाता हूँ। अब ये जो स्विचेस हैं ये आपके मैकेनिकल स्विचेस नहीं है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, इंटरनली स्पीकिंग आपके इंटरनल रिलेज हैं जो उसको ऑपरेट करवा रही हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं। सर जी, फिर ये पावर भी कम लेती होंगी? जितनी भी आपकी कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं वो सारी आपके लो वोल्टेज डिवाइसेस होती हैं, तो नॉर्मली वो पावर कम ही लेती हैं, ठीक है। आपकी जो पीएलसी है या आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें इतना करंट और इतनी पावर नहीं होती,
कि वो आगे जाके किसी भी लोड को कनेक्ट कर सकें। अगर आप पीएलसी के आगे कोई मोटर लगा देंगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। इनका करंट मिली एम्प्स में होता है। ये जस्ट स्विचिंग करवा सकते हैं, आपका कंप्यूटर जस्ट स्विचिंग करवा सकता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर स्विचिंग करवा सकता है, आपकी पीएलसी स्विचिंग करवा सकती है दो डिफरेंट टाइप के लोड्स में, सॉरी वोल्टेज में या सप्लाईज में, ठीक हो गया। तो यस सर, ये जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे स्विचिंग करवाती है और आप कैसे लोड वोल्टेज लेवल से, आप एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है। अभी आपने यही सुना होगा एम्पलीफिकेशन होती क्या है, आपने कभी एम्पलीफिकेशन देखी नहीं होगी होती, ठीक है। तो वो मैं आपको सारी yes, चीज डिस्कस करेंगे हम उन चीज़ों को ना, अभी हम थोड़ा सा बेसिक में रह रहे हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, मतलब कि इसका कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, आप फिजिकली इनको ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। आप या तो करंट की चेंज से या तो वोल्टेज की चेंज से आप इनको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। तो डैट मीन्स इनको जो आपने ऑपरेट करवाना है वो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं उनको आप कैसे ऑन करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट, आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता जिससे आप उसको ऑन करवा लें। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जितने भी होते हैं, आपके सेंसर्स भी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, इनको आप सॉफ्टवेयर से, या अगर आप सेंसर्स की बात कर रहे हैं तो सेंसर्स को आप रेलिवेंट मटेरियल से अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो उसके करीब कोई चीज़ लाएंगे तो वो आपका ऑन हो जाएगा, आप दूर कोई चीज़ लेके जाएंगे तो वो आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका प्रेशर सेंसर है, उस पर अगर आप कोई चीज़ की प्रेशर डालते हैं, वो पाँव रखते हैं तो वो ऑन हो जाएगा, उठा लेते हैं तो वो ख़त्म हो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह आपके इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, उनके आगे जब मेटल लेके आते हैं वो आपके ऑपरेट हो जाते हैं, जब मेटल को दूर करते हैं तो हो जाते हैं। इसके अलावा आपके वाटर सेंसर्स हैं, और जो पानी जब वहाँ पे आता है वाटर लेवल में भी, तो खैर दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो उसको सेंस कर लेते हैं। आपके स्मोक सेंसर्स हैं जो कि स्मोक को सेंस करते हैं, जब आपका स्मोक आ जाता है तो हाई हो जाते हैं। ये सारे आपके सेंसर्स और ये वाली चीज़ें जिनको आप खुद अपने हाथ से ऑन ऑफ नहीं करवा सकते, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में आते हैं। इनमें सेंसर्स भी आ जाते हैं, इनमें पीएलसीज भी आ जाती हैं। तो इनको आप सॉफ्टवेयर से, अभी अगर हम पीएलसी की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो इसको आप ऑन ऑफ सॉफ्टवेयर से भी करवा सकते हैं, या किसी सेंसर को इनके फिजिकल पॉइंट्स पे कनेक्ट करके ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑब्लिक सेंसर, इसको हम कुछ ना कुछ, मैं आपको सेंसर्स दिखाऊंगा, मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, तो उससे हम देखेंगे कि हम सेंसर से कैसे इसको करवाते हैं ऑपरेट, राइट। अच्छा, तो ज़ाहिर है अगर ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड हैं तो मुझे इनका कोई हार्डवेयर नहीं है, तो मुझे ज़ाहिर सी बात है इनका कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, सही है ना। तो मुझे इनका कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में मुझे इसको अगर कॉल करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस चीज़ से बात कर रहा हूँ। ये दोनों तो देखने में एक जैसे हैं, क्या ख्याल है। अगर मैं यहाँ पे एक और नॉर्मली ओपन डेक लगा देता हूँ, तो मैं अगर आपको कहता हूँ यार नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को हाई कर दो, तो आप कौन सा नॉर्मली ओपन समझोगे, मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा जब तक नाम नहीं है। यहाँ पे तो ये फिजिकल है, मैं आपको कहूँगा यार ये फर्स्ट वाला ऑन कर दो, या सेकंड वाला ऑन कर दो, या थर्ड वाला ऑन कर दो, आपको पता चल जाएगा यार ये थर्ड स्विच की बात कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि फिजिकली ये पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में मैं बात कर रहा हूँ तो इसको ऑन कर दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसमें कई दफ़ा ये भी थर्ड हो सकता है, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो सकता है, ये थर्ड हो सकता है, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो सकता है, आपको तो नहीं पता मैंने किस हायरार्की से फिजिकल कनेक्शंस किए हुए हैं। तो इसको ऑन करने के लिए आपको इनका कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। तो पीएलसी में अगर मैं कोई नाम देना चाहता हूँ किसी इनपुट पॉइंट को, तो उसके लिए स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कौन से नाम होते हैं।
जो इनपुट होती है उसको हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसमें, ठीक है। और जो आउटपुट होती है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर वाला पेज निकाल लेते हैं, उसमें हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। जो हमारी इनपुट होती है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी आउटपुट होती है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जस्ट नेम है आई और क्यू, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर हमने इनपुट को आई से रिप्रेजेंट किया है तो आउटपुट को हमने ओ से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया। ज़्यादातर पीएलसीज में जो बड़े ब्रांड हैं, सीमेंस है, वहाँ पे इनपुट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को क्यू से। और अगर आपके पास मिट्सुबिशी है या आपकी ओमरोन है या इस तरह की पीएलसीज हैं, तो उनमें डेल्टा है, फैटक है, उनमें आप इनपुट को तो आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट को वो वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है, जस्ट उन्होंने एक नाम रखा हुआ है। अच्छा, अब आई के बाद दो चीजें और लिखी हुई हैं, आई उसके बाद 0.0 लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, किसी को आइडिया है? नो सर। इसको ऐसे करें तो स्माइली भी बन जाती है। तो आई जीरो पॉइंट ऐसे हो सकता है, 0.0 जो है इनपुट है, आउटपुट आउटपुट भी 0.0 हो सकती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको 0.0 क्यों लिखा हुआ है इसके साथ। सर मे बी ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने आई 0.1 लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ना सर? नहीं, ये रीजन नहीं है। एक लॉजिक आपने बना ली, अच्छी बात है, आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये वाले रीजन नहीं है। आपके जो ज्यादातर माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनकी जो एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग समझते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर्स की क्या होती है? समझते हैं कि नहीं समझते? जहां पे सर एड्रेस किया जाता है सर जी। अच्छा चलिए हम डिस्कस करते हैं। आपका से बड़ी प्रॉपरली मेड कॉलोनी है आपकी, उसमें 10 गलियां हैं, हर गली में 8 घर हैं, हर गली में कितने घर हैं? 8 घर, 8 घर हैं, ठीक है। तो अब आपने किसी को बताना है कि से हुसनैन एक लड़का है, वो 3 नंबर गली के 4th घर में रहता है, तो कोई आपको पूछता है कि यार मैंने हुसनैन से मिलना है, आप उसको क्या बताओगे? यही सर के 3 नंबर गली में 4th घर है उसका। आप उसको बताओगे कि आप जो मेरी कॉलोनी है, से सी मेरी कॉलोनी है और उसकी 3 नंबर गली है और उसका 3 नंबर गली का 4th घर है, तो मैं उसको बताऊंगा कि यहाँ पे लिखा होगा C3.4, सी का मतलब है मेरी कॉलोनी जिसमें मैं रह रहा हूँ, 3 मतलब है कि गली नंबर 3 है और 4 मतलब है कि घर नंबर 4 है, ठीक है। ये बताओगे शॉर्ट फॉर्म में C3.4? जी सर, यस सर। घरों के नाम नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, C3.4, C3.5, तो उसमें ये होता है कि ये आपका कॉलोनी का नाम है और ये आपका गली का नंबर है और ये आपका हाउस नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनमें जो आपकी एड्रेसिंग होती है वो बाइट वाइज होती है। आपकी एड्रेसिंग कैसी होती है? बाइट वाइज होती है। अब मुझे पता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। इसीलिए मैंने 8 की एग्जांपल दी थी। एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। तो अगर मैंने कोई डाटा स्टोर करना है 0, क्योंकि एड्रेसिंग मेरी 0 से स्टार्ट होती है, 0th बाइट के में, और वो
कौन सी बिट में स्टोर करना है तो मैं क्या कहूंगा 0.4। ठीक है, अगर मैंने तीसरे बाइट के चार नंबर बिट में डाटा स्टोर करना है 0 या 1 तो मैं लिखूंगा जो बाइट नंबर 3 है उसके चौथे बिट में 3.4 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैं इनपुट के बाइट में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट के बाइट में स्टोर कर रहा हूँ, ये वाला मेरा, ये मेरा बाइट नंबर है और ये वाला बाइट्स की आगे बिट्स हैं। ठीक है, आई 0.0 लिखने का मतलब है कि जो मैं इस टाइम डाटा स्टोर कर रहा हूँ 0 या 1, क्योंकि यहाँ तो मेरी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट या तो हाई होगा या लो होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं होगा, तो 0 या 1 मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो उसमें जो 0 है वो मेरा 0 नंबर बाइट है और उसमें जो 1 है, अगला 0 है .0 वो मेरा 0 नंबर बिट है। तो मेरे पास मैक्सिमम 8 बिट्स हैं एक बाइट में, तो दैट मीन्स कि जो मेरी मैक्सिमम एड्रेसिंग है वो आई 0.0 से लेके आई 0. कहाँ तक जानी चाहिए, 7 तक, राइट। इसके बाद अगर मुझे कोई डाटा स्टोर करना है तो वो आई किसमें होना चाहिए, 1.0 में, 0। ठीक है, आई 0.8 नहीं हो सकता क्योंकि 0 और 7 के दरमियान 8 डिजिट हैं और मेरे पास एक बाइट में 8 बिट्स ही होते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो मैंने आई 0.0 लिखा है दैट मीन्स के जो आई है वो आपके इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 आपका बाइट नंबर है और उस बाइट के आगे जो बिट्स हैं वो आपकी नेक्स्ट 0 है। अगर मैं सिमुलेटर ऑन करूं तो यहाँ पे देखो कि मैं आई भी 0 निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं इनपुट बाइट 0 निकाल रहा हूँ और उसके आगे बिट्स लिखी हुई हैं और उसके आगे 7 बिट्स हैं। मैं जस्ट 7 बिट्स कंट्रोल कर सकता हूँ, इससे 7 बिट्स से ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तब इसके बाद मुझे कोई डाटा कंट्रोल करना होगा तो मुझे आई भी 1 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। इसी तरह जो मेरी आउटपुट है उसमें भी जस्ट फर्क ये है कि आउटपुट में जो मेरा स्टार्ट है वो क्यू से हो रहा है, क्यू बता रहा है कि ये मेरे पास आउटपुट है और 4.0 बता रहा है कि मेरे पास फोर क्या है, बाइट है, फोर्थ बाइट है और उसकी जीरोथ बिट है जिसमें मैंने डाटा कनेक्ट किया हुआ है या मेरा अपना लोड कनेक्ट है। जब हम फिजिकल पीएलसी देखेंगे तो हम उसको उसमें ये चीजें भी एक एक में करके आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पे पीएलसी, मैं उसमें आपको ऑपरेट करके सारी चीजें करके हम देखेंगे उसमें कैसे होता है। ठीक है, अभी हम सिमुलेशन पे देखते हैं सिमुलेशन पे कैसे होता है। ये चीज क्लियर है? यस सर। राइट, कोई क्वेश्चन है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है, ये भी हम साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया उतरेगा हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने आई 0.0 को कनेक्ट किया हुआ है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट के साथ क्यू 4.0 से। इसमें ज़रूरी नहीं है आप 4 लिखें, इसमें आप 0.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 3, 4 भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने 0.0 से शुरू करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है आपने क्या करना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर में कंट्रोलिंग प्रोवाइड की गई है कि अगर मैं किसी चीज़ को इनपुट्स को हाई या लो करना चाहता हूँ, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा आपके इनपुट के हिसाब से ट्रांसलेट होंगे, उसको आप हाई या लो नहीं कर सकते, आउटपुट को करोगे तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, आप हमेशा जो कंट्रोल करते हैं वो अपनी इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर मैं आई स्टार्ट में देखूँ तो मैंने आई 0.0 को भी
में ऑफ किया हुआ है और i0.1 को भी ऑफ किया हुआ है, लेकिन i0.0 से करंट फ्लो नहीं हो रहा आगे, ठीक है। और i0.1 को भी मैंने क्लोज किया हुआ है लेकिन उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो सारी ग्रीन हुई हुई है, ठीक है। और ये देखें कि उसकी वजह से जो मेरी आउटपुट है वो हाई हुई हुई है, Q 0.4 जीरोथ बाइट और उसकी फोर्थ बिट वो हाई हुई है, ठीक है। अब जैसे ही मैं i0.0 को हाई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इधर से मेरा करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, ये ग्रीन हो गई सारी। जैसे मैं इसको लो करता हूँ, इधर से मेरा करंट फ्लो होना बंद हो गया। दैट मीन्स कि जैसे ही मैं इसको हाई कर रहा हूँ मेरा करंट फ्लो स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही मैं इसको लो कर रहा हूँ मेरा करंट फ्लो क्या हो रहा है, बंद हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, सेकेंड जो है वो i0.1 है और ये 0.4 के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही i0.1 को मैं हाई करता हूँ, आप देखो यहाँ से मेरा करंट फ्लो ना ऑफ हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको लो करता हूँ मेरा करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गया। तो आज हमने थोड़े से जो सिंबल्स पढ़े हैं और उनकी नेमन कल्चर पढ़ा है कि नाम उसका हम कैसे रखते हैं और उसमें बाइट क्या होती है, बिट क्या होती है, तो इसका हमने फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन अपने सिमुलेशन पे देख लिया है। इसको हम सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे भी देख लेंगे इंशाल्लाह, जो कल का दिन लैब है, कल में हम इसको हार्डवेयर पे इंशाल्लाह देख लेंगे। मैं कैम ऑन करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करता है ना डाटा, उनको हाई लो करने से आउटपुट पे चेंजिंग होती है। हाँ, अगर आपने, आपके पास डिजिटल सिस्टम है तो डिजिटल सिस्टम में आपके पास या तो हाई होता है या लो होता है, तो उसमें आपकी बिट होती है, उस कंट्रोल करने के लिए काफी होती है। अगर आपके पास एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम में आपका डाटा जो होता है वो वेरी कर सकता है एक से ज्यादा नंबर पे, से आपके पास 6, 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हैं ना वोल्टेज लेवल्स, तो उसमें फिर आपको पूरा पूरा बाइट या पूरा पूरा वर्ड या इंटीजर आपको यूज करना पड़ता है, या डबल पीएलसी में बोलते हैं वो आपको यूज करना पड़ता है। तो जब हम उसको एनालॉग में पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। अभी तक डिजिटल के लिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि डिजिटल में आपके पास एक बिट में एक पूरा पॉइंट स्टोर हो जाता है, उसमें आप हाई लो कर सकते हैं उससे उसको। जी सर। कोई और क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जो आप यूज कर रहे हैं? मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा सर। हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब अपलोड होगा बेटा? वो मैंने अभी बताया था कि मेरे पास लैब का रिजल्ट कल आया है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा।